हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप लोग का हेल्थ एंड मेडिसिन में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं वेलामाइसिन सस्पेंशन के बारे में। इसका क्या यूज़ है, क्या डोज है, क्या साइड इफ़ेक्ट है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा जिससे कि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो फ्रेंड्स, वेलामाइसिन जो है एक बहुत ही फेमस मेडिसिन है जिसमें कोलिस्टीन सल्फेट मिला रहता है और एंटीबायोटिक दवा है, जो कि एंटीबायोटिक और एंटी डायरियल दवा भी इसको बोलते हैं। तो दोस्तों, वेलामाइसिन की MRP की बात करें तो आपको 57 रुपीज़ में किसी भी मेडिकल स्टोर पे बहुत इजीली मिल जाएगा। और इसको जो मैन्युफैक्चर करती है कंपनी, वेलेंस कंपनी है जो इसको मैन्युफैक्चर करती है। और इसमें जो कोलिस्टीन की मात्रा है वो 12.5 mg है और कलर इसका सनसेट येलो है। और दोस्तों, बात करते हैं इसके यूज के बारे में, इसको कब यूज करना है। तो इसका जो यूज है वो मुख्यतः आप देखेंगे कि किसी भी बच्चे को दस्त लगता है तो उसमें इसका यूज किया जाता है, और पेट में मरोड़ है, दस्त के साथ खून आ रहा है तो इसका यूज किया जाता है। और बहुत से डॉक्टर जो है इसको UTI में भी रिकमेंड करते हैं, और निमोनिया में भी बहुत से डॉक्टर इसको रिकमेंड करते हैं। और ये जो है बेदस्त के लिए ये बहुत ही बेहतरीन दवा है। जब नॉर्मल दवा जो जैसे ओपलॉक है, ओपलॉक एम्फोर्ट है या ऑफमेट है, ये सब दवा यानी नॉर्मली जो दवा चलती है वो काम नहीं करती है, तो डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं वेलामाइसिन को। और इसके जो है कई ब्रांड है, जैसे वेलामाइसिन है, बेस्टोमाइसिन है, कोली जेल है, कोली स्टाफ है, और भी बहुत सारे ब्रांड जो है मार्केट में इस सस्पेंशन से आते हैं, और सब में कोलिस्टीन सल्फेट मिला रहता है। तो दोस्तों, बात करते हैं अब इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में, इसका क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकता है अगर आपके बच्चे में जो है ये दवा लेने से। तो साइड इफ़ेक्ट जो है नोज़िया हो सकती है, वोमिटिंग हो सकती है, पेट में दर्द हो सकता है, GI प्रॉब्लम हो सकता है, ये सब हो सकता है। और ऐसा कुछ रहे तो आप डॉक्टर से फौरन से कंसल्ट करें और दवा को रोक दें। और इसको जो है दोस्तों, इसको जो ओपन करने के बाद आप 7 दिन के अंदर यूज कर करें, इसको ख़त्म कर दें, क्योंकि यहाँ पे लिखा भी है यूज़ विद इन 7 डेज ऑफ रिकंसिलेशन। तो इसमें 7 दिन के बाद आपको ख़त्म करना है इसको, दवा को। तो दोस्तों, बात करते हैं इसके डोज के बारे में। तो इसका डोज जो है अमूमन नॉर्मली जो है डॉक्टर द्वारा ही प्रिस्क्राइब किया जाता है। जब भी इसका डोज आप लें तो डॉक्टर जो है वज़न और उम्र के हिसाब से इसका डोज तय कर देते हैं। फिर भी यहाँ पे डोज लिखा है द रिकमेंडेशन डोज फॉर इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रेन इस 5 to 15 ml प्रति KG आप दे सकते हैं बॉडी वेट से, 3 टाइम डेली आप दे सकते हैं, जो कि यहाँ पर लिखा है। लेकिन दोस्तों, दवा भी कोई भी दें, आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसके बाद ही दवा डॉक्टर के प्रिस्क्राइब पे ही दवा बच्चों को पिलाएं। वीडियो देख के दवा ना पिलाएं, वीडियो में सिर्फ जनरल पर्पज के लिए जानकारी दी जाती है, और इसको देख के दवा ना पिलाएं। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, और वीडियो को लाइक करें और फॉलो करें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।